तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम उठ चुके हैं। आप देख सकते हो अभी अभी हम बिस्तर से उठे हैं, तो यहाँ पे गर्मा गर्म चाय आ चुकी है। और चलते हैं सीधा बाहर, बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं सबसे पहले। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है ललित शर्मा, स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के जौनसार के मोहना गांव से। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे ठीक देख रहे होंगे, ये है दोस्तों जौनसार का मोहना गांव, और ये खत मोहना में पड़ता है और चकरा से लगभग 20 किलोमीटर के दूरी पर है। और अभी हम जिस जगह पर रुके हुए थे, इस जगह का नाम है दोस्तों मोहना। ये देख सकते हो मोहना गाँव, बहुत ही खूबसूरत। और आज के मौसम की शुरुआत की जाए लगभग सुबह के 9:30 बजे से, मौसम बिल्कुल खुला है और आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं दिखाई दे रहे। आज बिल्कुल धूप खिल चुकी है, काफ़ी सुंदर मौसम लग रहा है। और अभी हम सुबह सुबह बैठते ही हम बैठे थे यहाँ पे बाहर, और नेगी भी रेडी हो चुका। हाँ जी, रेडी नेगी बिल्कुल रेडी हो चुका है, जूते जूते लगा के। और मैं भी, मेरा फाइनल लुक भी आप देख सकते हो, अब रेडी हो गए जाने के लिए। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ होम स्टे के बारे में, कि ये होम स्टे कहाँ पे है और कैसा है, और इसके जो रूम वगैरह है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बने रहिए आप ब्लॉग के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बाहर का लुक दिखा देता हूँ एक बार, और उसके बाद मैं रूम दिखाता हूँ। तो अगर होम स्टे की बात की जाए तो आपको इस तरह से यहाँ पे पूल मिल जाएगा, और इस पूल से आप जैसे अंदर एंट्री करते हो तो यहाँ से आपको इस तरह से सीढ़ी मिल जाएगी। और इस सीढ़ी में सबसे पहले मैं आपको ले जाऊँगा फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर के रूम आपको मैं दिखाता हूँ, सीधा चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। और गाँव का व्यू कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर आपको सामने मिल जाएगी विंडो रूम की। तो चलते हैं सबसे पहले, एक पहले दिखाते हैं आपको जो टूर रूम ये। तो यहाँ से एंट्री है, और ये है दोस्तों डबल बेड मिल जाता है, और इसमें आपको साथ में मिल जाएगी विंडो, ओ सॉरी विंडो इधर है, और इधर मिल जाएगी आपको अलमीरा, और इधर मिल जाएगा वॉशरूम। ये देखिए आप, शावर मिल जाएगा, और साथ में आपको इधर मिरर भी मिल जाएगा देखिए, और इधर आपको साथ में मिल जाएगा ये रूम, ये डबल रूम जॉइंट है, और यहाँ पे बेड मिल जाएगा, और फिर ऊपर एक और बेड मिल जाएगा, मतलब डबल फ्लोर का बेड मिल जाएगा। और यहाँ पे थोड़ी छोटी सी आपको सीढ़ी भी मिल जाती है, देख सकते हो आप छोटी सी सीढ़ी, यहाँ से आप ऊपर वाले बेड पे जाके सो सकते हो, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ से बाहर का व्यू इस तरह से, इसी तरह से आपको दो टू रूम सेट मिलेगा और दो सिंगल रूम सेट, देख सकते हो। तो इधर भी आपको सेम यहाँ पे आपको साथ में दो मिल जाते हैं, आपको यहाँ पे चेयरें और छोटा सा मिल जाता टेबल, और इधर डबल बेड मिल जाता है, और यहाँ से बाहर विंडो है, और ये आपका बाहर का डोर हो गया, और साथ में यहाँ पे मिल जाएगी आपको अलमीरा, साथ में यहाँ पे मिल जाएगी आपको अलमीरा, इसके अंदर अपने कपड़े वगैरह रख सकते हो। ये देखिए आप, प्रॉपर लकड़ी लकड़ी का बना हुआ,
और इधर आपको ट्यूब मिल जाएगी और इधर आपको मिल जाएगा वॉशरूम, इधर आपको वॉशरूम मिल जाएगा। ये देखिए आप, वॉशरूम सेम है, काफ़ी अच्छा है। ये है सिंगल रूम दोस्तों, और डबल रूम जो आपको मैंने पहले दिखाया था वो डबल रूम, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्यू है, देख सकते हो। तो दोस्तों अब ले चलता हूँ सीधा आपको फर्स्ट फ्लोर पे। इधर है फर्स्ट फ्लोर का डबल रूम सेट और उधर है सिंगल रूम सेट, और बाहर से बालकनी से कुछ व्यू है जो वो कुछ इस तरह से, यहाँ से मैं आपको सुंदर से दिखा देता हूँ। बाकी इस रूम पे हम रुके थे तो मैंने आपको दिखा दिया, बाहर भी आपको चेयर मिल जाएगी और टेबल मिल जाएगा, सामने से कुछ व्यू इस तरह से। यहाँ पर मतलब गांव का माहौल जैसा है, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके। आप भी आएँ और यहाँ पे रुके, बहुत ही सुंदर जगह है और चक्राता से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अब मैं आपको ले जाता हूँ सीधा डाइनिंग हॉल पर। डाइनिंग हॉल की बात की जाए दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ से एंट्री करते हो उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे डाइनिंग हॉल है, और सीधा मैं आपको ले चलता हूँ डाइनिंग हॉल। यहाँ से एंट्री करते ही आपको इस तरह से डाइनिंग हॉल मिल जाएगा, इसमें आपको बैठने के लिए चेयरें मिल जाएगी और टेबल मिल जाएगा, और काफ़ी खूबसूरत देख सकते हो। ये इधर कुछ प्रिंटिंग लगी है, देखिए इस तरह से, और यहाँ से बाहर कुछ इस तरह से, ये देखिए आप, ठीक है। और इधर भी आपको एक वॉशरूम मिल जाएगा, ये देखिए आप, डाइनिंग में भी आपको एक वॉशरूम मिलेगा, और इस साइड से भी मैं आपको दिखाता हूँ पूरा होम स्टे। ये देखिए काफी खूबसूरत, तो दोस्तों होम स्टे तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये होम स्टे कहाँ पे पड़ेगा और किस जगह पे होगा, तो इसकी मैं आपको थोड़ा सा रोड बता देता हूँ, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ तक गाड़ी आएगी, और वहाँ से आपको यहाँ तक थोड़ा सा पैदल आना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ पहले दोस्तों, लोकेशन की बात की जाए तो आप ये देख सकते हो सामने यहाँ पर रोड है, ये आप मेरे ठीक हाथ के ठीक सामने जहाँ पे मेरी उंगली है वहाँ तक रोड है, और वहाँ से बिल्कुल गांव के साथ साथ यहाँ से रास्ता आता है, और इस गांव के रास्ते से होते हुए आप सीधे इस होम स्टे में पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस होम स्टे की बात की जाए, ये चक्राता से मुश्किल से 10 से 12 किलोमीटर होगा, और 10 से 12 किलोमीटर पहुँचते ही आपको ये सुंदर सा जो होम स्टे है वो मिलेगा, और काफ़ी अच्छी यहाँ पे व्यवस्था है और हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो इस होम स्टे का मैं नाम भी आपको शेयर कर दूंगा, और इस होम स्टे का नाम क्या है वो मैं आपको बता दूँगा। चटनी है, और इधर दही है, इधर बटर है, इधर बटर है, तो ले रहा नहीं, इधर अचार है, और अब खाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं अपने प्लांट पहुंच चुका हूं वापस,
तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह होम स्टे जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे कि जब भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों कमेंट जरूर करें कि आपको ये होम स्टे कैसे लगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बहुत ही जल्दी। बाय, थैंक यू।